हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार की बहुत ही फेमस फ्राइड लिट्टी की रेसिपी, जिसे आप सत्तू की लिट्टी या फिर सत्तू की कचौड़ी जो भी चाहे बोल सकते हैं। और इसे आप बस 15 से 20 मिनट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट डिश है। तो चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सत्तू की लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1.5 कप आटा। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, इसे हम हाथ से इस तरह से क्रश कर लेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे कलौंजी, 1/4 टीस्पून से कम डालेंगे हम बेकिंग सोडा। वैसे तो सोडा डालना इसमें ऑप्शनल है, पर एकदम थोड़ा सा सोडा डालने से लिट्टी काफी अच्छी खस्ता बनती है। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून घी। घी के जगह आप चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे पहले अच्छे से मिला लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम थोड़ा हार्ड डो लगा लेंगे। ध्यान रहे, डो को हम बिल्कुल इस तरह से एकदम हार्ड लगाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। तब तक हम सत्तू की स्टफिंग बना लेते हैं। सत्तू की स्टफिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1/2 कप सत्तू। सत्तू आपको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं, पर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन, थोड़ा सा डालेंगे अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, हाथ से क्रश करके डालेंगे इसे, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून डालेंगे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, और थोड़ा सा डालेंगे हम आम का अचार। अगर आप अचार नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू के रस की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और अब हम सबको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे, जो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो इसे भी डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर सत्तू की स्टफिंग यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा सरसों तेल या फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। तो अब ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। डो को हम एक बार फिर से मिला लेते हैं और अब इससे हम छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और इसे इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। और अब इसे हम दोनों अंगूठे से प्रेस करते हुए इस तरह से कटोरी जैसा बना लेंगे और इसमें अब ये स्टफिंग डालकर इसे अच्छे से सभी साइड से मिलाते हुए बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल लेते हैं और इसे इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो लिट्टी को गोल भी रख सकते हैं। तो उसके लिए इसे भरने के बाद इसके एक्स्ट्रा आटे को निकाल कर इसे हम इस तरीके से रहने देंगे। तो आपको जो भी तरीके से बनाना है उस तरीके से हम सारी लिट्टी को स्टफ करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो उसके लिए तेल को मैंने गर्म कर लिया है। डो का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर तेल को हम चेक कर लेते हैं। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम लिट्टी को एक एक करके इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे। मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। आप अपनी चॉइस की कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही लिट्टी नीचे साइड से थोड़ी सी सिक जाए इसे हम पलट लेंगे और इसी तरीके से इसे पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये लिट्टी दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन हो गया है। बस अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस से हम बाकी लिट्टियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म बिहार की स्पेशल फ्राइड लिट्टी बनकर तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं बैंगन के भरते, लहसुन की चटनी या फिर धनिया की चटनी के साथ। आज मैंने इसे सर्व किया है धनिया की चटनी के साथ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है। तो बहुत ही मजेदार और एकदम क्रिस्पी लिट्टी रेडी है। आवाज सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।